Hi, Namaskar. I think everybody of you has heard that there is, you know, every time there is a good and bad things, correct? Only it depends upon your perception, how you are taking it. I totally rely on it, okay? So I know अभी lockdown है, हम लोग घर पे हैं, correct? मतलब हम बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं, हम क्या करें, पूरा दिन नहीं करता, बहुत लोग तो बोर होते हैं, यू नो, हमें घर की याद आ रही है, फ्यू पीपल आर स्टेइंग अवे फ्रॉम होम. सो आई नो एवरीथिंग. कीपिंग एवरीथिंग असाइड, व्हाट आई एम थिंकिंग इज वी हैव राइट नाउ वी हैव इनफ टाइम टू टेक केयर ऑफ आवरसेल्व्स, व्हिच वी एक्चुअली लैक which we were lacking when we were going to office, schools. हम इतना भाग रहे थे ना लाइफ में कि हमारे पास ना सीरियसली खुद पे ध्यान देने के लिए टाइम ही नहीं था, करेक्ट? आई थिंक बहुत लोग इस चीज़ को मानते हैं. नाउ यू हैव टाइम, यू हैव यू नो इनफ अमाउंट ऑफ टाइम टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. सो जो मेरा आज का वीडियो होने वाला है ना, वो एक्चुअली में यही सोच के मैंने सोचा कि यार Why not share some DIYs, some things जो कि इंसान घर पे बैठ के ना टेक केयर कर सकता है. I know I have done a lot of product review and I thought कि that now I have to take it in a different direction. कि यार अब हम घर पे हम शॉपिंग तो कर नहीं सकते, so what can we do? We can do simply मैं आज एक DIY शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ. That DIY is going to be you know a skincare routine. आई नो हम डे टू डे लाइफ में स्किन केयर इतना ध्यान नहीं रख पाते थे, पैक्स नहीं लगा पाते थे क्योंकि हमें ऑफिस जाना है, स्कूल जाना है और जहाँ भी आपको बाहर जाना है आप नहीं कर पाते थे, ठीक है? रात को आप थक के आ रहे हो यार, कई बार टाइम नहीं होता है. सो अभी वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम नाउ. ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं. जो मैं अभी पैक के बारे में बात करने वाली हूँ ना, वो पैक में हर एक चीज़ जो हम यूज़ करने वाले हैं दैट आर ईजिली अवेलेबल और अवेलेबल इन योर किचन ओनली, ओके? सो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, हम इस DIY को शेयर करते हैं बिकॉज ये DIY में मैंने जो प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं ना, इनके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं आपके स्किन के लिए. So these are the 6 ingredients that I'm going to use in this pack. The first ingredient is vitamin E capsule. Take 2-3 drops of vitamin E capsule, but I will suggest if you have a very acne prone skin, try to avoid it. The second ingredient is gram flour, or we can call it as besan in Hindi. So take 1.5 tablespoon of besan. Then the third ingredient is turmeric और हल्दी. टेक टू पिंचेस और 1/4 टेबल स्पून ऑफ हल्दी. नाउ द फोर्थ इंग्रेडिएंट इज हनी. हनी यू कैन टेक हाफ टेबल स्पून ऑफ हनी. And the fifth ingredient is aloevera gel. Take 1 tablespoon of aloevera gel. And the last ingredient is rose water. Take 1 tablespoon of rose water, or you can add rose water according to the quantity you want, as per the consistency that you require. Now for honey, aloevera gel and rose water, you can use any brand. It's not specific to a single brand. What you have in your home, you can use according to that. Now mix all the ingredients in one empty bowl and your pack is ready to apply. Now before applying the pack, there are some prerequisites that you should follow to get better results. So let's move forward towards the prerequisites. सबसे पहले मैंने अपने फेस को अच्छे से वॉश किया है, और मैंने जो फेस वॉश यहाँ पे यूज़ किया है दैट इज़ मामा अर्थ. ये मैं आपको इसलिए बताना चाहती हूँ क्योंकि मैंने ना स्क्रबिंग वाले ऑप्शन को भी स्किप किया है. मैं जब भी फेस पैक लगाती हूँ ना, वीक में 1 या 2 बार, तो मैं ये फेस पैक में हमेशा इस फेस वॉश को यूज़ करती हूँ क्योंकि इसमें माइल्ड स्क्रब पार्टिकल्स है जो कि बहुत अच्छे से स्क्रबिंग भी कर देते हैं क्लींजिंग के साथ. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आपने अच्छे से वॉश करा, नाउ यू हैव टू पैट ड्राई योर फेस ताकि अच्छे से आपका यू नो फेस ड्राई हो जाए और जो आप पैक लगा पाए वो प्रॉपरली लगे, वो ऐसे बहुत ज़्यादा रनी ना हो, ऐसे गिरने ना लगे, इसलिए आप अच्छे से पैट ड्राई करेंगे. नाउ आफ्टर पैट ड्राइंग व्हाट आई एम गोइंग टू यूज़ इज दिस पैक. ये देखिए मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स को एक साथ कर लिया है. And here I'm using MSD professional brush. You can also use any kind of brush which you use for your for applying packs on your face. मैं ये use करती हूँ इसलिए मैं ये use कर रही हूँ. अगर आपके पास brushes नहीं है no problem, आप हाथ से भी कर सकते हैं. Now what I have to do, I have to just mix this pack properly. और इसका कंसिस्टेंसी जो है ना, जो मैं आपको बताना चाहूँगी, बहुत ज़्यादा रनी नहीं है. लाइक सी, दिस शुड बी अ काइंड ऑफ कंसिस्टेंसी इट शुड हैव. ओके, सो ये मेरा पैक है रेडी एकदम. नाउ व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू जस्ट अप्लाई लाइक दैट. ओके, या आई हैव टू अप्लाई. एक अच्छी यूनिफॉर्म लेयर हमें अप्लाई करनी है इस पैक की प्रॉपरली पूरे फेस में. कोशिश करिएगा कि जहाँ पे आपको मार्क्स हैं, जैसे आई हैव देयर, सो वहाँ पे अच्छे से अप्लाई करो आप. ओके, सो एज यू कैन सी आई हैव अप्लाइड इट यूनिफॉर्मली ऑल ओवर द फेस. एंड या इफ़ यू वांट, जैसे आप नॉर्मली अपने नेक एरिया को कभी भी मत भूलिए. नेक एरिया पे प्रॉपर अप्लाई करिए जहाँ तक, या आई थिंक दिस शुड बी द प्रॉपर एरिया जहाँ तक आपको सब अप्लाई करना है. ऐसे अप्लाई करने के बाद व्हाट यू हैव टू डू, आपको ज़्यादा बात नहीं करनी है. एंड ये पूरे पैक को आपको फॉर 15 मिनट्स ऐसे छोड़ देना है. ओके, एज यू कैन सी ये टोटली ड्राई हो चुका है. और जब ये अच्छे से ड्राई हो जाएगा तो आप बोल भी नहीं पाएंगे, क्योंकि इसमें एक ना टेंडेंसी होता है, ये बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है स्किन पे बहुत ज़्यादा. यही इसकी खासियत है, ये बहुत अच्छे से ऑयल को रिमूव करता है. सो यू कैन सी बहुत अच्छे से सब कुछ ड्राई हो चुका है. तो नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट वॉश माई फेस विद द ल्यूकवार्म वाटर. सो आई एम जस्ट कमिंग आफ्टर वॉशिंग माई फेस. सो नाउ आई हैव वॉश्ड माई फेस. अब आपको क्या करना है, आपको सिंपली इसको जैसे पैट ड्राई करना है बस. जस्ट बहुत हल्के हल्के हाथों से. एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, अपने फेस के साथ कभी भी हार्श होने की ज़रूरत नहीं है. ट्राई करिए बहुत सॉफ्ट टाल यूज़ करने का. बिल्कुल भी ऐसे जो हार्ड टाल्स होती हैं उसको यूज़ नहीं करना है, क्योंकि आप जितना जेंटल अपने फेस के साथ रहेंगे ना, दैट वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू ओनली. अब जैसे कि आप देख सकते हैं एक अलग टाइप का शाइन आपको चेहरे पे दिखेगा. मैं आपको सीरियसली बता रही हूँ, अगर आप इसको कंटिन्यूसली फॉर अ मंथ यूज़ करेंगे ना, यू विल सी अ ड्रास्टिक चेंज. सो एक काम करते हैं हम ना, 1 मंथ चैलेंज करते हैं इसका, ठीक है. मैं भी आज से और आप भी आज से यूज़ करूँ. सब मुझे कमेंट सेक्शन पे बताओ कि किस डेट से उन्होंने स्टार्ट किया यूज़ करना. एंड देन करेक्ट आफ्टर 1 मंथ मैं एक और रिव्यू वीडियो बनाऊंगी कि 1 मंथ बाद मेरे चेहरे का कंडीशन क्या है. यू कैन सी राइट नाउ, और हम उस टाइम देखेंगे कि व्हाट्स द डिफरेंस. एंड आप लोग भी शेयर करो कि आप लोगों को क्या 1 महीने में डिफरेंस मिला. मुझे मेरी मेल आईडी है, यू कैन मेल मी फोटोज़. मैं कुछ किन्हीं भी 2 लोगों का फ़ोटो शेयर भी करूँगी. जो भी लकी पीपल होंगे, मैं उन 2 लोगों का रैंडम फ़ोटो बिफोर आफ्टर का शेयर भी करूँगी अपने नेक्स्ट 1 मंथ बाद के रिव्यू वीडियो के साथ. सो जल्दी ये जो रेमेडी है, होम रेमेडी, इसकी सारी चीज़ें आपको आपके किचन से ही मिल जाएंगी. कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है. तो आप उसको अप्लाई करिए और 1 मंथ बाद हम फिर से मिलते हैं. हम देखते हैं कि हमारी स्किन में क्या चेंज आए. एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल स्टे परफेक्टली इम्परफेक्ट को सब्सक्राइब करिए. मेरे और वीडियोस को देखिए. इस वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ. और ऑल्सो आप नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आप मेरे ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोज़ को मिस ना करो. एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, बिलीव इन द फिलॉसफी ऑफ लविंग योरसेल्फ. बाय बाय.